अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज एक नई वीडियो में आपके साथ। सर आज तारिक जावेद साहब हैं हमारे साथ। तारिक भाई आप किस शहर से हैं? मैं सर हरुणाबाद डिस्ट्रिक्ट भावनगर। हरुनाबाद से तारिक भाई हैं। तारिक भाई माशाल्लाह वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं और ये कई सालों से स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। कुछ कॉन्सेप्ट्स तारिक भाई के जो थे वो मुझे लगा कि ठीक नहीं है और उनको हमने अपडेट किया और तारिक भाई को मेरा ख्याल है कि समझ भी आई। उसके अलावा नोटा सेन को किसी ने वो क्रिप्टो में या कमोडिटीज की तरफ भी बताया हुआ था तो उसको भी हमने क्लियर किया कि कमोडिटीज और क्रिप्टो जो हैं वो कभी भी आप स्टॉक से कंपेयर नहीं कर सकते। स्टॉक में आप एक बिजनेस को खरीद रहे हैं और कमोडिटीज और क्रिप्टो में आप एक सट्टेबाजी के अंदर आ रहे हैं। अब तारिक भाई से पूछते हैं कि आज के सेशन में इन्होंने क्या सीखा। सर मैं पहले तो ज़रा काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा था ट्रेडिंग के वाले से, नुकसान भी फ़ायदा भी काफ़ी सारा लिया और नुकसान भी ज़रा करता रहा। लेकिन ओवरऑल ज़रा वो जो एक बेसिक कंसेप्ट था क्लियर नहीं हो रहा था कि हमने ये ट्रेडिंग कर करके कभी फ़ायदा ले लिया, कभी उससे ज़्यादा नुकसान ले लिया। अब बेसिकली मेरा कभी भी रुझान ये नहीं रहा कि मैं पैसे भी इनकम के तौर पर लूँ। मुझे जो सबसे बेहतर इसमें आपका सेशन लेने के बाद ये चीज़ पता चली, एक तो हमने फाइंड आउट कैसे करना है चीज़ों को, शेयर्स को फाइंड आउट कैसे करना है जो अच्छी कंपनीज हैं, और सेकंड जो अहम चीज़ वो ये है कि हमें उसको फाइनेंशियली जो हमें इनकम कितनी मिल रही है जो सबसे अहम है। जाहिर है हम जो बंदा भी कुछ इन्वेस्टमेंट करता है उसका बेसिक मकसद अपनी इनकम को जनरेट करना होता है, तो अगर पैसिव तरीके से इनकम हमें जनरेट हो रही है और अच्छे तरीके से हो रही हो तो मेरा ख्याल है सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी है। और मेरा सेशन लेने के बाद जाहिर ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ। जजाकल्ला खैर जी, बड़ी मेहरबानी तारिक भाई। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश यही होती है कि लोगों को एजुकेट करें। मैं बार बार हर अपनी वर्कशॉप में हर अपने सेशन में एक ही मैसेज देता हूं कि थोड़े से पैसों से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी सीखें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाएं और एक रेगुलर पैसिव इनकम का आपका सोर्स बन जाएगा। आज जो तारिक भाई को मैंने बातें बताई हैं जो इनकी थोड़ी बहुत मिसिंग थी, जाहिर है कि इंसान को सीखना पड़ता है। हमने भी सीखी हैं चीजें, हर चीज कोई बगैर उस्ताद के तो नहीं चीज पता चलती। तो मैं ये समझता हूँ कि तारिक भाई को इसमें प्रॉफिट ही इंशाल्लाह ताला होगा, इसमें कभी लॉस इनको नहीं होगा। और वो जो बेसकूनी और वो जो एक होता है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह उतावला मान लो हो जाता है कि जी मैं नहीं कर रहा बाकी दुनिया कर रही है। दोबारा सर हम सेशन इंशाल्लाह दोबारा करेंगे, मैं आपको बताऊंगा अपनी अचीवमेंट्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप पॉजिटिव ही बताएंगे और आपकी जिंदगी में और आपके कारोबार में पॉजिटिव आएगी इंशाल्लाह।